नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। आपको बता दें, बीजेपी नेता के बेटे को पुलिस ने पीटा, भाजपा के अंदर मचा हंगामा। बात करेंगे इस पूरी खबर के विस्तार से, लेकिन दोस्तों अगर आप गोदी मीडिया का दिल से विरोध करते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए, और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबा लें, जिससे जो खबर आपको गोदी मीडिया नहीं दिखाए वो आपको इस चैनल पर सबसे पहले देखने को मिले। दरअसल दोस्तों, बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। आपको बता दें, बीजेपी नेता के बेटे को पुलिस ने पीटा, मचा हंगामा। बता दें, बीजेपी किसान मोर्चा के दक्षिण जिलाध्यक्ष के बेटे को पनकी मंदिर में दर्शन करने के दौरान पुलिस सिपाहियों ने सिक्योरिटी रूम में बंद करके बेरहमी से पीट दिया है। मामले की जानकारी पर जिलाध्यक्ष समेत तमाम भाजपाइयों ने मौके पर पहुंचकर हंगामा करना शुरू कर दिया है। आरोपी पुलिसकर्मी के निलंबन की मांग को लेकर भाजपाइयों ने पनकी मंदिर वाली रोड पर जाम लगा दिया। हंगामे की सूचना पर एसपी कल्याणपुर दिनेश कुमार शुक्ला मौके पर पहुंच गए हैं। सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद दो सिपाहियों को सस्पेंड और चौकी इंचार्ज को लाइन हाजिर कर दिया है। दोस्तों बता दें, बर्रा निवासी राजेश वाजपेयी भाजपा किसान मोर्चा के दक्षिण जिलाध्यक्ष हैं। आरोप है कि उनका बेटा उत्कृष्ट वाजपेयी मंगलवार को पनकी मंदिर के दर्शन करने गया था। दर्शन को लेकर वहां मौजूद सिपाहियों और पनकी मंदिर चौकी इंचार्ज मनोज सिंह से विवाद होने लगा, जिस पर पुलिसकर्मियों ने उत्कर्ष को लाइन से हटाकर सिक्योरिटी रूम में बंद करके बेरहमी से पीट दिया है। मारपीट में उत्कर्ष की घड़ी और मोबाइल भी टूट गया है। किसी तरह पुलिस से छूटे उत्कर्ष ने मामले की जानकारी पिता को दी। इस पर जिलाध्यक्ष समेत दर्जनों भाजपाई पनकी मंदिर चौकी पहुंचकर हंगामा करना शुरू कर दिया। दोस्तों अगली बड़ी खबर में आपको बता दें, इस्तीफे के बाद कुछ देर शांत दिखे स्वामी प्रसाद मौर्य, फिर तमतमाते हुए बोले, बीजेपी में जो खुद को तोप समझते हैं उन पर गोले दागूंगा। बता दें, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में लेबर मिनिस्टर स्वामी प्रसाद मौर्य ने मंगलवार को मंत्री पद से इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। स्वामी प्रसाद मौर्य ने राज्यपाल को दिए त्यागपत्र में लिखा, दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगार, नौजवानों एवं छोटे लघु उद्योग एवं मध्य श्रेणी के व्यापारियों के घोर उपेक्षाकृत रवैये के कारण उत्तर प्रदेश की योगी मंत्रिमंडल से इस्तीफा देता हूँ। मौर्य के इस्तीफा देने के साथ ही विधायक रोशन लाल वर्मा, भगवती सागर, ब्रजेश प्रजापति ने भी पार्टी छोड़ दी। दोस्तों बता दें, इस्तीफा देने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने कई पत्रकारों से बातचीत की। इसी दौरान सभी पत्रकारों ने अलग अलग सवाल पूछे, जिनके जवाब मौर्य ने अपने हिसाब से दिए। लेकिन गौर करने वाली बात यह रही कि कुछ देर तो बड़े ही अदब से खुद को जिम्मेदार नेता बताते नजर आए, लेकिन दूसरे ही पल उन्होंने बीजेपी को खुली चुनौती देते हुए कह डाला कि बीजेपी में जो खुद को तोप समझते हैं मैं उन पर 2022 चुनाव ऐसे गोले दागूंगा। इस्तीफे के बाद एएनआई को दिए इंटरव्यू में स्वामी प्रसाद मौर्य ने वही लाइनें सबसे पहले दोहराई जो उन्होंने अपने इस्तीफे में लिखकर भेजी है। दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगार, नौजवानों एवं छोटे लघु एवं मध्य श्रेणी के व्यापारियों के घोर उपेक्षाकृत रवैये के कारण उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से मैंने इस्तीफा दिया है। उन्होंने कहा कि मुझे केवल सरकार की नीतियों से समस्या है, इसीलिए मैंने पद से इस्तीफा दिया। उनसे पूछा गया कि आप मौर्य समाज से आते हैं तो आपको क्या लगता है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि अभी कुछ कहना अतिशक्ति होगी, 2022 के नतीजों का इंतजार करिए। मैं जब चाहता हूँ यूपी की तस्वीर बदल देता हूँ। ये तब तक स्वामी प्रसाद मौर्य थोड़े सहमित लगे, लेकिन कुछ देर बाद उन्होंने जब बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया के बयान के बारे में पूछा गया तो वे कहते हैं कि जितनी जिसकी अकल उतना ही बोलेगा। दोस्तों आपकी क्या राय, इन सभी खबरों को जानकर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और आपको वीडियो अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर में।